बचपन से ही मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली स्पोर्ट्समैन लोगों के ऊपर या थोड़ा एडवांस एथलीट जो है उनके ऊपर करेंगे। कोई भी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उनके लिए कोर, एक स्ट्रांग कोर रीजियन किसको बोला जाता है? चेस्ट के नीचे से कमर तक जितने मसल ग्रुप है, भले वो सामने का हो, वो साइड का हो, वो पीछे का हो, ये पूरा एरिया को हम लोग कोर के नाम से कंसिडर करते हैं। एक स्ट्रांग कोर के बिना आप कभी भी एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। आप आराम से कोर मसल्स को कैसे स्ट्रांग करते हैं मैं ये वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आपको कोई भी एक्सरसाइज छूट ना जाए। दूसरा चीज, स्पोर्ट्समैन को सुपरमैन से कम नहीं माना जाता है। स्पोर्ट्समैन हाई परफॉर्मेंस करते हैं। हाई परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को एज ए स्पोर्ट्समैन अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग वर्कआउट। और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, जब हम लोग कोर की वर्कआउट कर रहे हैं तब हमारा जो कोर रीजियन है ये ज्यादा इधर उधर ना हिले, ये एक स्टेबल कंडीशन में रहे। अपने दिमाग को बताना है कि मैं कोर के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ और कोर पे पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन रखना है। और एक चीज, ये जो मैं वर्कआउट प्लान दे रहा हूँ ये आप आसानी से घर में कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। एक जगह ही थेराबैंड का यूज मैंने किया है, आप चाहते हो तो उसको हटा के उसका अल्टरनेट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलिए बिना बात करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ड कोर कोर वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर वन में आपको ऐसे हैंग करना है किसी भी एक हाइट पे, और उसके बाद आपने दोनों पैर को सीधे रख के एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाना है और एक पैर को एक हाइट में मूव कराना है। इस टाइम में आप ध्यान में रखिए आपका कोर टाइट रहे, बॉडी ज़्यादा हिले ना, आप एक स्टेबल कंडीशन में रहें और सेमी सर्कल बनाते रहें दोनों पैर से। आप इसके लिए कई हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर टू में भी आपको एक जगह पे हैंग करना है। हैंग करने के बाद आपका दोनों पैर को स्क्वीज करना है। आप ध्यान रखें कि इतना ना उठाए, आपका पैर पूरी चेस्ट तक आने चाहिए, ऐसे स्क्वीज 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 दौरान आपको कोर टाइट रखना है और बॉडी ज़्यादा हिलेना, इसमें ध्यान रखना है। और अगर आप एक डंबल या वेट है तो आप दोनों पैर के बीच में ऐसे पकड़ सकते हैं फिर स्क्वीज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सरसाइज नंबर थ्री में हम लोग ऑब्लिक के ऊपर काम करेंगे, पेट के साइड वाले हिस्से में। इसमें दोनों टांग को मोड़ेंगे और साइड वाइज स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज स्ट्रेट ट्विस्ट स्क्वीज स्ट्रेट ट्विस्ट स्क्वीज स्ट्रेट ट्विस्ट स्क्वीज स्ट्रेट। फोर्थ एक्सरसाइज में हम लोग थेराबैंड का यूज़ करेंगे। थेराबैंड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान में आपको मिल जाएगा। आपको रेजिस्टेंस के लिए एक एंगल में इसको बांधना है और एंगल आपके शोल्डर लेवल से ऊपर रहे, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। आप अपने हाथ से पकड़ लीजिए, उससे दूर खड़े होने के बाद आप मूव कराएंगे थेराबैंड को ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें आप रेजिस्टेंस और बढ़ाना चाहते हैं तो एक फोल्ड और अपने हाथ में लपेट लीजिए, फिर ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, और रेजिस्टेंस चाहिए तो और एक फोल्ड अपने हाथ में बांध लीजिए। इसमें मैं साइड के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान में रखना है और इसमें कंसंट्रेट करके माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखते हुए आपको करना है। या नेक्स्ट आपको साइड चेंज करना है और दूसरे हाथ के लिए करना है। एक्सरसाइज नंबर फाइव में अपर एब्स, पेट के ऊपर वाले हिस्से के लिए हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसमें दोनों टांगों को ऐसे बांधे रखेंगे, उसके साथ साथ सर के पीछे हाथ लेके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या पूरा ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना सा रेंज होगा, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। कंसंट्रेट करिएगा अपर एब्स की तरफ, एकदम नीचे नहीं जाना है, एकदम ऊपर भी नहीं आना है, स्लोली मूवमेंट कंसंट्रेट, पैर एक ही जगह पे रहेगा, पैर नहीं हिलेगा इस वर्कआउट के दौरान, पैर स्टेबल रहेगा और कंसंट्रेट करिएगा अपर एब्स में, स्लोली मूवमेंट, एकदम क्रंचेस, स्मॉल स्मॉल क्रंचेस अपर एब्स के लिए। एक्सरसाइज नंबर सिक्स में हम लोगों को छोटा छोटा पुशअप्स भी लगाने हैं। पुशअप्स लगाने के साथ साथ साइड वाइज पैर को फोल्ड करना है, फिर पुशअप लगाएंगे साइड वाइज पैर को फोल्ड करेंगे, फिर पुशअप्स लगाएंगे साइड वाइज पैर को फोल्ड करेंगे,
स्लो एंड कंपोज मूवमेंट आपको मसल को बताना है, आप उनको लिए वर्कआउट कर रहे हो तो वो आपको वापस इफेक्ट देगा। यस पुश अप गो या राइट, वेरी राइट, ऐसे ही हम लोगों को करते जाना है। रिपीटेशन और सेट्स ऊपर में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वर्कआउट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर सेवन में हम लोग प्लैंक करेंगे। हम लोगों को ध्यान में रखना है बॉडी इधर उधर ना भागे, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट एक लाइन में रहे, अपना हिप जो है बॉडी एक स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट में रहे, और उसके साथ हम लोग प्लैंक होल्ड करेंगे। एल्बो और शोल्डर को एक लाइन में रखना है और पहला एक मिनट आप फोर पॉइंट पोजिशन में रखेंगे अपने बॉडी को, दोनों हाथ दोनों पैर। उसके बाद जो 30 सेकेंड्स है उसमें टू पॉइंट पोजिशन, मतलब एक हाथ और एक पैर के ऊपर एक पैर चला जाएगा और 30 सेकेंड्स हम लोग इस कंडीशन में रहेंगे। और नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में हम लोग क्या करेंगे, टर्न हो जाएंगे और ऑपोजिट साइड में सेम 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखेंगे। 30 सेकेंड्स होल्ड हम लोगों को ऑपोजिट साइड में भी करना है, ऐसे ऑपोजिट साइड में मुड़ के 30 सेकेंड